राम राम जी सभी भाइयों को। और काफ़ी दिनों बाद आज व्लॉग बना रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। और आप सभी को थोड़ा ख़राब लग रहा होगा क्योंकि डेली व्लॉग नहीं मिल रहे हैं, तो भाई थोड़ा ऐसा ही है, बिज़ी था क्योंकि लास्ट वीक भी मैं खेलने के लिए नहीं गया था, जयपुर में टूर्नामेंट था बोबास में, तो उसके लिए सॉरी भाई सभी कमेटी मेम्बर को, तो नहीं जा पाए थे टूर्नामेंट में। उस टूर्नामेंट में जो विनर टीम रही एक बार फिर से कमल जयपुर, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया भाइयों ने, कॉन्ग्रेचुलेसन कमल जयपुर टीम के सभी प्लेयरों को। और सेकंड टीम रही मंचल नजफगढ़, बाकी थर्ड फोर्थ टीम रही अंकित पथरेड़ी और अरबाज बेरी। तो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा भाई, देखे लाइव मैच, बढ़िया सिस्टम रहा, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था, अच्छा अरेंजमेंट था और समय पे ही टूर्नामेंट भी समाप्त हुआ। जो भी टीम वहाँ पे सम्मिलित हुई उन सभी का इस वीडियो के जरिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आज है संडे, तो आज थोड़ा जल्दी उठ गया था भाई, और वैसे तो डेली लेट ही उठता था, 7, 7:30, 8 बजे। और पिछली वीक भी सोच रहा था भाई जल्दी उठ के थोड़ा रनिंग वगैरह करें, क्योंकि मेरे फिंगर में लगी थी ना 2-3 महीने पहले, तो मैंने उसके बाद सुबह मॉर्निंग वॉक जाना छोड़ दिया था, रनिंग वगैरह एक्सरसाइज सब कुछ छोड़ दिया था। बट अब पिछले वीक मैंने डिसाइड किया कि फिर से स्टार्ट करता हूँ, परंतु पिछले वीक नहीं हो पाया, तो इस बार डिसाइड किया है कि इसीलिए व्लॉग में बोल रहा हूँ ताकि मैं कर पाऊँ, क्योंकि 1-2 दिन जाता हूँ फिर रुक जाते हैं। ऐसा ही आपके साथ भी होता होगा, अगर आपने डिसाइड किया जैसे मंडे से या संडे से जाना स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग वॉक पर रनिंग वगैरह एक्सरसाइज के लिए, फिर 1-2 दिन जा पाते हैं और फिर से नहीं जा पाते हैं, सुबह में उठा नहीं जाता, तो ऐसी समस्याएं होती है, तो इसलिए व्लॉग में बोल रहा हूँ। तो इस वीक डेली मैं जाऊँगा, और हमारे जो इंडरी गांव में 4-5 जगह हैं जो कि जहाँ पे सार्वजनिक जगह है जहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो सभी जगह अलग अलग दिन। मैं अभी मॉर्निंग वॉक पर आया हुआ हूँ 7 बजे सुबह के, तो आज भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करूँगा और रनिंग करूँगा। बाकी जहाँ पे भी स्टेडियम बने हैं, 2 स्टेडियम हैं और पार्क है, और भी कई स्थान है सार्वजनिक स्थान जहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक पे, लोग वॉक जा सकते हैं, इंडरी गांव के सभी जाते भी हैं, तो वो सब कुछ दिखाऊंगा आपको। डेली व्लॉग अब बनाऊंगा मैं, अब इस वीक में डेली व्लॉग देखें 8 बजे शाम को, कल से व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे, कल डाल दूँगा मंडे को 8 बजे शाम को, बाकी डेली व्लॉग मिलेंगे अभी इस वीक में डेली व्लॉग बनाऊंगा। आज है टूर्नामेंट ऑल इंडिया शूटिंग वॉल का, जो कि ऑल इंडिया से चुनी हुई 8 टीमें हैं बॉयज़ की और गर्ल्स के भी हैं, उसमें 5 टीमें हैं टॉप इंडिया से। शूटिंग वॉल का ये टूर्नामेंट है प्योर टाइट, जो कि हम, मैं और दानवीर भाई और हमारी टीम खेलती थी 2011 से पहले खेलती थी, 8-9 साल काफ़ी खेला शूटिंग बॉल प्योर टाइट वाला, तो काफ़ी नियमों में चेंजेस हुए हैं अभी भी, तो आज जानेंगे वो सब कुछ, उसमें जाने का प्लान है मेरा, बाकी दिखाएंगे वहाँ पे सब कुछ, और भी प्लेयरों से मिलेंगे, बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं भाई प्योर टाइट के, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के भी, सभी प्लेयरों से मिलेंगे, बातें करेंगे, इंटरव्यू करेंगे 1-2 प्लेयर का यदि पॉसिबल हो पाया तो। कृषि करने वाले भाई हैं सभी, काम का समय अब 1-2 महीने, धान कटने के बाद फिर गेहूँ की बुआई स्टार्ट हो जाएगी, तो भाई अभी फ़िलहाल मॉर्निंग वॉक करके खेत से जाके और घर का कुछ काम करना है, फेवरेट काम है मेरा, वो दिखाऊंगा मैं आपको सभी को, और भी मिलाऊंगा रक्षित यक्षित से, चलिए काफ़ी एंजॉय होने वाला है। और उसके बाद फिर ग्राउंड पे जाऊंगा, वहाँ पे प्लेयरों से मिलेंगे, अपनी इंडरी टीम के प्लेयरों से, कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस वीक में, लास्ट वीक में मैंने 3-4 दिन प्रैक्टिस की अपने ग्राउंड पे, और भी एक घटना घटी है हमारे ग्राउंड पे, बहुत ही निंदनीय घटना है भाई, उसके बारे में भी बताऊंगा, बहुत ही शर्मनाक घटना है भाई वो हमारे ग्राउंड पे घटी है, वो मैं बताऊंगा आपको, बने रहें ब्लॉग में अंत तक, चलिए मिलते हैं। और एक ख़तरनाक चीज़ दिखाऊं भाई, ये नहीं, ये देख रहे हो, खतरनाक चीज़ है ये, देखो नील गाय का है भाई ये, दांत देख रहे हो, ये सिस्टम हम्म,
खतरनाक है ना। चलिए चलते हैं भाई। और अभी ब्रेकफास्ट मिल्क विद ब्रेड, और 8 बज गए सुबह के, और 8 बजे तक मुझसे भी लेट। देखो अभी सो रहा है कुनाल, रात को खेल के आया था। किस टाइम खेल के आया ये ना पता। और ये देखो ट्रॉफी, सबसे अच्छी ट्रॉफी मुझे इनमें ये वाली लगती है, ये वाली रज्जाक चुगनी ने भाई ने दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। अरे देखो भाई कैसा लग रहा हूँ भाई, सही है ना। चलो अभी दिखाता हूँ पार्क अपना, घास लगाई हुई है, फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है, घिया की बेल, और दशहरा आने वाला है ना। आ रहा हूँ। और बालक बिगड़ रहे हैं ये, कुछ भी छापते हैं सिस्टम है ना, अच्छा है। चलो पहुँच गया भाई फेवरेट काम, देख रहे हो पार्क है ये हमारा, और मंदिर भी है। बाकी एक दिन तो नेक्स्ट डेज में एक दिन यहाँ पे आऊँगा मॉर्निंग वॉक के लिए, पूरा दिखाऊंगा आपको। ट्रैक बना हुआ है चारों तरफ इस पे, और भव्य मंदिर है ये, और एक दिन जाऊंगा यहाँ पे ऊपर पहाड़ पे, वहाँ पे भी मंदिर है भाई, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा स्थान बना हुआ है, वहाँ पे भी मॉर्निंग वॉक करके आएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। नेक्स्ट डेज में जो भी व्लॉग आएंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्लॉग बनेंगे, परंतु मेरे लिए चुनौती है कि मैं रेगुलर कर पाऊंगा या नहीं का तो कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि व्लॉग में बोल रहा हूँ ना करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो। चलो मिलते हैं, अब ग्राउंड पे मिलेंगे भाई, पता नहीं किस टाइम निकलेंगे ये, उसके बाद बताते हैं। धान कटाई का काम जोरों पे, और रक्षित मेरे साथ जा रहा है पानी लेने, यक्षित भी मेरे साथ है। हेलो दे देख, चेक करो कहाँ जा रहे हो, पानी बनने आ जा फिर। एक और घर का काम, पानी भरने के लिए आ गए हैं हम नलका पे, रक्षित और यक्षित भी मेरे साथ है। हटिया रे रे का दिख रहे दिख रहे दिख, हाँ यक्षित भी है और प्रधान जी भी है। प्रधान जी कै बजे आए रात के खेल के, दो बजे आए। कौन जी तो सीरीज है, इंट्री फर्स्ट। ओह माय गॉड कांग्रेचुलेशन। दीपक भी है, दीपक ना हो ना, दीपक भी है भाई हमारे साथ, सब ये जूनियर इंट्री टीम के प्लेयर हैं। प्रधान कौन तो हुई टक्कर फिर फाइनल में, किरण तो हुई जो लास्ट टाइम किरण जीत गई थी तुमसे, तुमने बदला लिया क्या। ओ माय गॉड पांच बने। चलो कोई ना, बढ़िया खेले वो भी, बढ़िया खेले होंगे भाई, ऐसी कोई बात ना। और कितनी टोटल टीमें रही, आठ नौ ही। प्राइज कितने हजार रुपए था, 15,000 रुपए। ओ माय गॉड वेरी गुड। अरे नहीं नहीं, प्राइज कितना भी हो सम्मान, मतलब जो जीते हो ना वही सम्मान बहुत होता नहीं एक खिलाड़ी के लिए। हाँ खेलना चाहिए। और कुनाल ना 8 बजे तक सो रहा था सुबह, उसके बाद भी सो रहा होगा पता नहीं, बाकी 2 बजे आए तुम रात का, चलो अच्छी बात है, खेलना चाहिए। आज फिर चल रहे हैं ग्राउंड पे हाँ प्रधान। तो प्रधान को भाई हमारी इंड्री मतलब है तो ये आलदुका से, बट इसे भुंडू कहते हैं, भुंडू
बुंडू नाम दिया गया बुंडू। हाँ, जॉन्टी की टी शर्ट पहन रखी। बाकी सिस्टम है बढ़िया, गेम है अच्छा, ड्रॉपिंग कर लेता बुंडू की तरह, इसलिए नाम बुंडू रख दिया गया। तो ग्राउंड पे मिलेंगे सारे खिलाड़ी हैं। ये बास्केटबॉल का खिलाड़ी है रक्षित। बास्केटबॉल का ग्राउंड नहीं है हमारे इंडरी गाँव में, ये कमी है। बाकी बढ़िया बढ़िया प्रदर्शन है बास्केटबॉल में। और ये क्या कर रहा है देखो, सो गाइज मैं पहुंच गया हूं अपने ग्राउंड पे। अभी 10 बज गए हैं भाई, अब मैच लगेंगे। थोड़ा लेट हो गया, 8 बजे से मैच लगने। ये देख रहे हो ग्राउंड पे भाई आग लगा दी गई है या लगी है गलती से, वो कह नहीं सकते। बाकी दिन में ही ये लगाई गई थी, तो इसमें अपने ग्राउंड की जाली भी जल सकती थी, नेट वेट सब कुछ मतलब तहस नहस हो सकता था ये ग्राउंड। क्योंकि अब पता नहीं ये किसने किया है, बहुत ही निंदनीय है ये काम, जो भी किया है जिसने भी किया है भाई गलत है ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ गिला सिकवा किसी भी इस इंडरी टीम के प्लेयरों से, जो भी प्रैक्टिस करते हैं बच्चे सभी गांव के, तो आप कह सकते हैं। बाकी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और एक और घटना घटी है देखो भाई, बाकी इससे अपना सेफ बच गया, जाली वोली सब कुछ दिन में ही हुआ था क्योंकि सभी प्लेयर फिर आ गए थे। तो बाकी एक घटना ये घटी है भाई, जो नया नेट लगाया गया था हमारे ग्राउंड पे, इंडरी ग्राउंड पे, वो नया नेट रात में कोई काट के ले गया भाई, दोनों तरफ से पोल के उधर से, दोनों तरफ से मतलब रस्सी काट के, और नए नेट को मतलब चोर के ले गया भाई, चोरी कर ली भाई। अब इस साजिश में कौन कौन शामिल है, एक प्लेयर तो ऐसा गंदा काम या घिनौना काम कह सकते हैं, बहुत ही गलत काम है ये, तो एक प्लेयर ऐसा नहीं कर सकता। बाकी किसने किया भाई बहुत ही गलत है। बाकी जो भी आप करते हो ना जीवन में गलत काम करते हो, उसका आपको प्रायश्चित जरूर करना पड़ता है। बाकी यार ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं। अगर आपको कुछ भी, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ आप सभी को इस वीडियो के ज़रिए, कि जो भी आपको गिला सिकवा कुछ भी अगर गलत लगता है किसी भी प्लेयर से कुछ भी, तो आप कह सकते हैं उस उन बातों पे हम विचार विमर्श करेंगे। अगर हम हमारे खिलाड़ी कोई भी जो भी प्रैक्टिस करते हैं गांव के सभी युवा प्लेयर, उन सभी से बात करके वो निपटाया जा सकता है जो भी है आपका गिला सिकवा। बाकी ये चीज़ें गलत है भाई, ये सब करके आप महान नहीं बन सकते और इससे भला नहीं हो सकता आप सभी का, तो ऐसा ना करें प्लीज़। और जिसने भी वो नेट चुराया है भाई, लेके गया कोई भी बाहर का हो या कोई भी हो, तो वो नेट भाई रात में यहाँ पे रख जाए, तो और आगे से ये चीज़ ना करें भाई। सब नंबर तगड़ी बाइक देखो, ये कितने की पड़ेगी बॉस? ये बाइक कितने की पड़ेगी? अंदाजा बता देना, तो कन्फर्म ना आएंगे। मस्त बाइक, मस्त एकदम, देख रहे हो 160 की है, बढ़िया बाइक है, तो रेसिंग बाइक है ना। ये तो नंबर प्लेट लग रही है, नहीं तो नहीं है ये, है ना। नंबर प्लेट लगवा के सीधा अभी मैं आ गया, पहुंचने वाला हूं मतलब जौनापुर टूर्नामेंट। और देख रहे हो भाई गुड़गांव में बढ़िया बिल्डिंग है, बढ़िया दृश्य है एकदम, बहुत अच्छी बिल्डिंग लगी वो देखो, काफ़ी ऊँची बिल्डिंग, दो तीन बिल्डिंग है यहाँ पर। अभी 20 मिनट में पहुंचने वाला हूं, मात्र 11 किलोमीटर रह गया यहाँ से, 20 मिनट दिखा रहा है। फिर दिखाते हैं आपको ग्राउंड और मैच भी दिखाएंगे और मिलेंगे प्लेयरों से, प्योर शूटिंग वाली बॉल के सभी प्लेयरों से। चलिए गाइस पहुंच गया टूर्नामेंट में, दो ग्राउंड है गर्ल्स के चल रहे हैं, एक पे बॉयज़ के।